नगर निगम की महापौर प्रमिला पांडे ने चुनाव अधिसूचना खत्म होते ही अपने अधिकारियों संघ बैठक की ओर बरसात आने से पहले शहर के नाला नाली और गाली फिट की सफाई की कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसे बरसात से पहले सफाई की जा सके, जिससे बरसात का पानी सड़कों पर ना भरे। बैठक में सभी अधिकारियों से बात कर सीसामू नाका, सीओडी नाला सहित शहर के जितने भी बड़े नाले हैं उनकी सफाई के लिए चर्चा कर काम जल्द शुरू किया जा रहा है। ये सूचना जब से लगी थी तब से मैं बैठ तो रोज रही थी, लेकिन आज हमने अपने अधिकारियों के साथ बैठक किया और किस तरीके से नाले की सफाई या गली फिट की सफाई या शहर में किस तरीके की सफाई है सबके बारे में अपने अधिकारियों को जानकारी ली। जानकारी अच्छी मिली और फिर मैं परसों फिर एक इंजीनियरिंग विभाग और अपने स्वास्थ्य विभाग के साथ फिर बैठक करूंगी, क्योंकि उसमें बड़े नाले का भी हमारे पास खाका आ जाएगा, छोटे नाले का भी आएगा, गली फिट का भी आ जाएगा। तो जिससे इस बार हमने पिछली बैठक जब की थी तो हमने अपने तीनों स्वास्थ्य अधिकारियों से नगर आयुक्त से बोला था कि इस बार नाला सफाई जल्दी से चालू हो जाएगी तो बरसात से पहले क्या कहते हैं नाला साफ हो जाएगा, नहीं तो जब बरसात में नाले की सफाई होती है तो जो कूड़ा उठाओ अगर बरसात हो गई तो फिर वही कूड़ा उसमें चला जाता। आप ये देख रहे हो पूरे शहर में सिल्ट दूसरे या तीसरे दिन निश्चित तौर पर उठ जा रही है, कम से कम 200 या 250 तक कूड़ा तो सीसामऊ नाले से जा चुका है, सीओडी नाला हुआ, जितने नाला हैं सब जगह से सफाई हो रही है और भगवान चाहेगा तो इस बार हम अपने शहर को पानी से डूबने से बचा लेंगे। हमने सब हमारा एक हमने अपनी एक टीम बनाया था जिसको महापौर योद्धा के नाम से हमने रखा था। मेरी सोच ये थी कि ये सब आदमी अगर मैं एक एक वार्ड में भेजूंगी 3-4 महीने में मेरा पूरा शहर पार्षदों के साथ साफ हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, आधा आते हैं आधा नहीं आते, कभी थोड़े बहुत। आज उसको मैंने नगर आयुक्त अपने स्वास्थ्य अधिकारी से कहा कि इसको समाप्त करिए और जो नहीं आ रहे हैं अगर ये 4 महीने जो नहीं आए हैं उनको हटा दीजिए, उनके जगह नई भर्ती करिए और नई भर्ती एकदम स्वच्छ सुंदर करिए, वो टीम महापौर की होगी। तो महापौर अगर 50 आदमी जहाँ भेजेगा तो वहाँ सफाई आपको। और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24/7।